Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग National Institute of Open Schooling का secondary course, psychology का module 6, work life and environmental concerns, lesson 22, the world of organization का बचा हुआ part आज हम लोग cover up करने का कोशिश करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. हेलो डियर लर्नर ऑफ NIOS, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन 22.3 व्हिच इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एट वर्क. परफॉर्मिंग अ टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफन इन्वॉल्व्स कंट्रीब्यूशन बाय मेनी पीपल. इट इज अ सोशल एक्टिविटी. वर्चुअली एनी काइंड ऑफ वर्क रिक्वायर्स सोशल इंटरेक्शन विद सेवरल इंडिविजुअल्स. The salesman interacts with his customers, the doctor with his patients, and the supervisor with his subordinates, and the teacher with students. Furthermore, workers are members of one or more work groups with whom they may interact more frequently. तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी लोग काम करते हैं उनका आपस में कैसा संबंध होता है. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे बहुत लोग अपने कंट्रीब्यूशंस देते हैं, ठीक है. और ये एक सोशल एक्टिविटी है. कोई भी वर्क हम लोग जब करते हैं सोशल इंटरेक्शन के साथ, तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं. जैसे जो सेल्समैन्स होते हैं उनका इंटरेक्शंस उनके कस्टमर के साथ होता है, डॉक्टर का इंटरेक्शंस उनके पेशेंट्स के साथ होता है, एक सुपरवाइजर का जो हम लोग देखेंगे रिलेशन तो उनका सबऑर्डिनेट्स के साथ होता है, और एक टीचर का स्टूडेंट्स के साथ. इन सब के अलावा जो ज़्यादातर जो वर्कर्स या मेंबर्स होते हैं एक या एक से अधिक ग्रुप्स के, वो एक दूसरे के साथ हमेशा आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं. इंटरपर्सनल रिलेशंस में बी सीन टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. दीज कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व एग्रीमेंट्स टू इंटरेक्ट इन पार्टिकुलर वेज. वी मे इंटरेक्ट विथ मेनी पीपल बट मे नॉट नेसेसरली एंटर इनटू अ रिलेशनशिप. अ रिलेशनशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन वी हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस अबाउट अप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग. इन द वर्क कॉन्टेक्स्ट एम्प्लॉयज बिल्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स विद अदर्स. दीज मे बी अ रिजल्ट ऑफ बोथ द फॉर्मल वर्क रोल एंड द पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. पीपल हैव टू इंटरेक्ट विद द बॉस, विद कोवर्कर्स एंड द पीयर ग्रुप. तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का भी चलन है. ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसमें बहुत टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं कि कैसे लोग आपस में इंटरेक्शन करेंगे. हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उनके साथ इंटरेक्ट करने के बाद एक रिलेशनशिप में आए. एक रिलेशनशिप्स कब आता है एग्जिस्टेंस में? जब हम लोगों को कुछ एग्जिस्टेंस होता है तब हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज होता है. ज़्यादातर अगर हम लोग देखेंगे वर्क कॉन्टेक्स्ट में, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो अपना अलग अलग प्रकार के रिलेशनशिप्स दूसरे के साथ बिल्ड करते हैं, और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि फॉर्मल वर्क और यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में फॉर्मल वर्क का हम लोग जब रोल देखते हैं पोजिशन देखते हैं तो यहाँ पर ये निकल के आता है. जो लोग हैं वो अपने बॉस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने कोवर्कर्स, और जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं पीयर ग्रुप्स उनके साथ आपस में इंटरेक्ट करते हैं. सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. एवरी एम्प्लॉय हैज टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द बॉस टू सीक इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस. इट इज द बॉस हु अलाउज और डिसअलाउज द सबऑर्डिनेट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, गिव्स असाइनमेंट्स, इवेलुएट्स परफॉर्मेंस, डिटरमाइंस पे इंक्रीमेंट्स एंड डिसाइड्स हु हैज टू बी प्रोमोटेड. द काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद दैट एन एम्प्लॉय शेयर्स विद द बॉस डिपेंड्स अपॉन द लीडरशिप स्टाइल अडॉप्टेड बाई द बॉस. दीज आर डिस्क्राइब्ड इन बॉक्स 22.2. तो जितने भी एम्प्लॉय है वो एक रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं अपने बॉस के साथ जुड़े रहने के लिए, ताकि उनसे उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिल सके, गाइडेंस मिल सके. ये बॉस होते हैं जो किसी भी एम्प्लॉय को अलाउ करते हैं या डिसअलाउ करते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए. बॉस असाइनमेंट्स देते हैं, उनके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, फिर कितना पेमेंट करना है उनको उनके वर्क के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं, और किस इंडिविजुअल को प्रमोट करना है ये भी एक बॉस ही डिसाइड करते हैं. तो जितने भी रिलेशनशिप हम देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने बॉस के साथ जो शेयर करते हैं वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का जो बॉस है उनका लीडरशिप स्टाइल कैसा है.
और ये बॉक्स 22.2 में दिखाया गया है, लीडरशिप स्टाइल एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स विद वर्कर्स. अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट डायरेक्ट्स एंड यूजेस थ्रेट्स एंड पनिशमेंट टू इन्फोर्स ऑर्डर्स एंड गेट टू द वर्क डन बाय सबऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व्स वन वे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. तो इसमें क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्ट और पनिशमेंट्स के बीच में रहता है, पनिशमेंट्स भी दिए जाते हैं, थ्रेट्स भी रहते हैं कि जो भी सब ऑर्डिनेट्स जैसा काम कर रहे हैं. और इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, जो बॉस होता है वो अपने नीचे वाले से, जो उनके नीचे पोजिशन पर काम करते हैं उनसे बात करते हैं, और वो जो होते हैं वो अपने नीचे वाले रैंक या पोजीशन पे काम करने वाले एम्प्लॉय से बात करते हैं. इस प्रकार से इनका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन चलता है. एक है पैटर्नलिस्टिक, बेसिकली अथॉरिटेटिव बट परमिट सम पार्टिसिपेशन टू सबऑर्डिनेट्स, इन्वॉल्व्स टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन बॉस एंड सबऑर्डिनेट्स, रिवॉर्ड्स एंड ट्रीट्स आर एम्प्लॉयड टू इन्फोर्स द ऑर्डर्स. तो ये अथॉरिटेटिव होता है लेकिन इसमें कुछ परमिट्स दिए रहते हैं कि जो जो भी यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको कुछ परमिट्स दिए जाते हैं. इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, बॉस और सबऑर्डिनेट आपस में बातें करते हैं. इसमें रिवॉर्ड्स और ट्रीट्स भी एम्प्लॉय को दिए जाते हैं. कंसल्टेटिव, ऑर्डर्स आर इश्यूड एंड गोल सेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द एम्प्लॉयज, टीम वर्क इज इंकरेज टू सम एक्सटेंट. तो इसमें क्या होता है ना कि ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं, एक गोल्स को सेट किया जाता है जब एम्प्लॉयज से जब बॉस मिलते हैं तब. इसमें टीम वर्क को इंकरेज किया जाता है. पार्टिसिपेटिव, एम्प्लॉयज आर फुल्ली इन्वॉल्व इन सेटिंग द गोल्स एंड टू वे कम्युनिकेशन बिकम्स द नॉर्म. तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं गोल्स को सेट करने में, और यहाँ पे दो टू वे कम्युनिकेशन भी एक आम चीज़ होता है. मीन्स यहाँ पे दो वे कम्युनिकेशन बॉस और जो एम्प्लॉयज हो वो आपस में करते हैं. Generally, the more the boss takes into consideration the needs and judgments of the subordinates and the more participative his style of functioning, the greater the productivity and satisfaction of the employees and the less the absenteeism and employee turnover. तो हम लोग देखते हैं कि जो बॉस होते हैं वो किस प्रकार से कंसिड्रेशंस लेते हैं, किस प्रकार से जजमेंट देते हैं सबऑर्डिनेट्स को, किस प्रकार से वो पार्टिसिपेटिव स्टाइल रखते हैं कि उनका जो भी उनके एम्प्लॉय है वो किस प्रकार से काम करेंगे, कैसा उनका प्रोडक्टिविटी होने वाला है, किस प्रकार से उनके एम्प्लॉय वो सेटिस्फाई हैं या नहीं. इसमें अगर वो लेस एब्सेंट रहेंगे तो जो एम्प्लॉय का टर्नओवर है वो ज़्यादा होगा. Relationship with co-workers and peer group. We spend more time with our colleagues than with anyone else. The work group context affects our experiences at the workplace. Relationship with co-workers does not develop according to rules and regulations as stated in formal terms. Relationship with peer group often develops as a result of common tastes, likes and dislikes. Some employees are more interdependent on their co-workers and provide an opportunity for the employees to have greater ease in interaction. Also, co-workers provide an opportunity for the employees to compare their beliefs with similar others. It is likely that a newcomer will first look at his or her work group peers for appropriate ways of behaving. For example, the employee may learn from his peer group that it is not appropriate to give an opinion about the company policy even when asked by the boss. Besides learning the unwritten rules within the organization, the peer group also provides an outlet for employees to express their emotions, which they cannot do with their supervisors. So such relationships provide job satisfaction and increase organizational commitment. So हम लोग यहाँ पे जब देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो relationships है वो co-workers और peer group के साथ लोग बनाते हैं, तो जो भी लोग ऑफिस में काम करते हैं वो अपना ज़्यादातर समय कलीग्स के साथ व्यतीत करते हैं किसी दूसरे के मुकाबले. ये जो वर्क करते हैं इनका जो ग्रुप कॉन्टेक्स्ट होता है उनके लाइफ जो भी वर्क प्लेस है उसके एक्सपीरियंस को ये अफेक्ट करता है. जो भी रिलेशनशिप को वर्कर्स के साथ होता है वो रूल्स के साथ डेवलप किए जाते हैं, उसमें कुछ रेगुलेशंस होते हैं और कुछ फॉर्मल टर्म्स दिए जाते हैं. किस प्रकार का जो रिलेशनशिप्स है वो साथ में काम करने वाले पीयर ग्रुप्स के साथ होगा ये भी डेवलप किया जाता है, और इसके बाद इसके रिजल्ट में क्या निकलता है, कॉमन टेस्ट, लाइक्स और डिसलाइक्स की जो अदर पर्सन जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनका टेस्ट कैसा है, वो किस चीज़ को लाइक करते हैं किस चीज़ को डिसलाइक करते हैं. कुछ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादातर इंटरडिपेंडेंट होते हैं अपने कोवर्कर्स के साथ और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, जिससे उनका इंटरेक्शन करने में आसानी हो जाए.
बहुत सारे जो कोवर्कर्स होते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, जिसमें वो कंपेयर करते अपने बिलीव्स को दूसरों के साथ. और जो भी लोग न्यू कमर होते हैं, मतलब कि जो पहली बार आते हैं ऑफिस या जो नए होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले अपने पीयर ग्रुप्स को देखते हैं कि उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है, अप्रोप्रिएट है या नहीं. एग्जाम्पल के लिए जो एम्प्लॉय है वो अपने पीयर ग्रुप से बहुत कुछ सीखेगा, और अगर कोई कंपनी का बॉस उससे कुछ पॉलिसी के बारे में पूछता है वो तब तक नहीं बताएगा जब तक उस कंपनी के बारे में वो ना जान जाए, ठीक है. इन सब के अलावा जो अनरिटन रूल्स भी होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि पीयर ग्रुप जो है वो प्रोवाइड करवाते एक आउटलेट के रूप में अपने एम्प्लॉयज़ को, और ताकि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, और जो कि वो अपने सुपरवाइजर्स के सामने नहीं कर सकता लेकिन अपने ग्रुप्स के साथ तो कर सकते. ऐसे जो रिलेशनशिप से वो जॉब सेटिस्फैक्शन देता है और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को भी इंक्रीज करता है. वन क्रिटिकल फैक्टर विच हेल्प्स एस्टैब्लिशिंग द कॉन्टेक्स्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड अडॉप्टिंग द वर्क रूल्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन. तो यहाँ पे एक वन क्रिटिकल फैक्टर है जो कि हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में इस्टेब्लिश करने में कि किस प्रकार से जो वर्क रोल्स है वो प्रोसेस करेगा ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन को. ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय एक्वायर्स द नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी फॉर एज्यूमिंग अ प्लेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. बिफोर एंटरिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन वी आर सोशलाइज्ड ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजंस फ्रॉम अर्ली लाइफ बाय आवर पेरेंट्स एंड अदर्स अबाउट हाउ टू बिहेव इन पर्टिकुलर वेज एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. एट एवरी स्टेज इन लाइफ वी हैव टू गेट अकस्टम टू द चेंजेस फर्स्ट. Just as adjustments need to be made when people get married, have children, etc. In the same way, when an individual joins a work organization, he has to learn to interact and collaborate with others and build relationships with others. These relationships then help to have knowledge about accepted behaviors and attitudes within the organization. Entering a work organization serves as an important basis for adult socialization. This kind of socialization is a continuous process and not a single event. It continues as a person shifts from one work role to another and one environmental situation to another. It is a two-way process where not only does the individual internalizes the values, goals, and objectives of the organization, but the organization also has to adapt itself to cater to the needs of the diverse workforce made up of women and other majority groups. तो हम लोग देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एक इंडिविजुअल जो कि एम्प्लॉय होता है उसके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, जिस प्लेस में वो काम कर रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम कर रहा है उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रवेश करने से पहले उसे सोशलाइज होना ज़रूरी है. और बहुत सारे टाइप ऐसे आते हैं जैसे कि पेरेंट्स और भी बहुत लोग होते हैं वो बताते हैं एज अ मेम्बर ऑफ सोसाइटी कि कैसे आपको एक पार्टिकुलर सिचुएशन में बिहेवियर करना चाहिए. लाइफ के हर एक स्टेज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसको आपको फेस करना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि किसी चीज़ को लेकर के आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है. जब कोई लोग शादी करते हैं तो उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं, बच्चों को लेकर एडजस्टमेंट करने होते हैं. इसी तरीके से जब कोई इंडिविजुअल एक वर्क ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे उनको सीखना पड़ता है कि कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे कोलैबोरेट करना है दूसरों के साथ, और कैसा रिलेशनशिप दूसरों के साथ रखना है. ये जो रिलेशनशिप्स है वो आपको हेल्प करते हैं कि किस प्रकार से आप अपने बिहेवियर्स को रखोगे, किस प्रकार का आपका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक एटीट्यूड रहेगा अपना. किसी भी वर्क ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने के लिए आपको एडल्ट सोशलाइजेशन को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस प्रकार की जो सोशलाइजेशन है वो आपको कंटिन्यूस प्रोसेस करते हैं, ठीक है, हमेशा आपको हेल्प करते रहते हैं. एक जो पर्सन है वो अपने रोल को बहुत अच्छे से निभा पाता है किसी भी इन्वायरमेंटल सिचुएशन में अगर वो सोशलाइजेशन को सीखता है, ठीक है.
और एक टू वे प्रोसेस होता है जहाँ पे सिर्फ जो इंडिविजुअल है वो इंटरनलाइज ही नहीं करते वैल्यूज को, बल्कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसे वो अडेप्ट करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने वर्कफोर्स के अकॉर्डिंग, चाहे वो विमेन हो या फिर अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स हो। दस बोथ द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट टू ईच अदर्स नीड्स एज ईच हैज अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट मस्ट बी मीट। देयर सम टू बी psychological contract between the two. A psychological contract is not a written document but a shared understanding that is in the process of fulfilling mutual expectation. तो जो individuals होते हैं या organizations होते हैं दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे के चीज़ों को adapt करते हैं, जैसे कि कुछ जो expectations होते हैं उसे adapt करते हैं। ये कैसा लगता है कि एक psychological contract है दोनों के बीच में, individual के बीच में और एक organization के बीच में। ये जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग को आपस में शेयर करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने का प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल द इंटरपर्सनल रिलेशंस लाइज इन द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज थ्रू कम्युनिकेशन दैट वी आर एबल टू एक्सचेंज थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस टू अदर्स। For the smooth functioning of any organization, the members of the organization should be able to communicate among themselves. तो किसी भी आपसी संबंध को बनाने के लिए उसमें बहुत सारे क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है कि आपका जो इंटर पर्सनल रिलेशनशिप है वो इफेक्टिव हो, असरदार हो, ठीक है। तो ये कैसे होगा, कम्युनिकेशन के थ्रू होगा कि आप अपने थॉट्स को, फीलिंग्स, इमोशन और एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करो। कैसे करोगे, थ्रू द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। स्मूथ फंक्शन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करे तो इसके लिए क्या चाहिए, जो भी मेंबर्स है उस ऑर्गेनाइजेशन के वो आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। मीनिंग कम्युनिकेशन इंटेल्स द ट्रांसफर ऑफ मीनिंग बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर। इट एस्टैब्लिशेस अ कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग अमंग इंडिविजुअल्स। ऑल्दो सम बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉनेथलेस ओनली ह्यूमन बींग्स हैव द यूनिक कैपेसिटी टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स। सिम्बल्स कुड रेफर टू सिंपल ऑब्जेक्टिव्स इन द फिजिकल वर्ल्ड लाइक टेबल्स, चेयर्स, बुक्स एक्सेट्रा, और दे मे रेफर टू एक्टिविटीज लाइक ईटिंग, रीडिंग, स्लीपिंग एंड सो फॉर्थ। एट एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल सिम्बल्स मे बी यूज टू रेफर टू कॉन्सेप्ट्स लाइक इंटेलिजेंसी, ट्रूथ, वर्थीनेस एक्सेट्रा। The use of language by humans represent the most involved use of symbols. Communication may be spoken or written. It may take place between two individuals, in a group, in the entire organization and with masses. तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी सेंडर और रिसीवर्स होते हैं उनके आपस में ट्रांसफ़र होता है। क्या चीज़ का ट्रांसफ़र होता है, तो उनके बातों का, उनके विचारों का। ये कॉमन फ्रेम को स्टैब्लिश करते हैं ताकि जो इंडिविजुअल्स है वो आपस में एक दूसरे को समझ सके। कुछ बेसिक फॉर्म होते हैं कम्युनिकेशन के, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हीं के पास एक यूनिक कैपेसिटी है कि वो अपने इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सके सिंबल्स के थ्रू। कुछ जो सिंबल है वो सिंपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड में टेबल्स हो गए, चेयर्स, बुक्स, ये सब। और कुछ होते हैं एक्टिविटीज़ जो लोग इशारों में बता सकते हैं, ईटिंग, रीडिंग, स्लीपिंग, और भी कई प्रकार के ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट लेवल सिंबल्स किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो इंटेलिजेंसी की, कोई कितना इंटेलिजेंट है, कितना सच बोल रहा है, या फिर कितना उसमें वर्थीनेस है। हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं इसमें ज़्यादातर सिंबल्स का इवोल्यूशन होता है, ठीक है। जो कम्युनिकेशन है वो दो प्रकार के होते हैं, स्पोकन और रिटन, मतलब बोल करके और लिख करके। और जो कम्युनिकेशन है वो कब हो सकता है, दो इंडिविजुअल के बीच में, एक ग्रुप में, या फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर मैसेज के आपस में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में इंटेल द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। दस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोथ मैकेनिकल एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन बिकम इम्पॉर्टेंट। द जनरल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन लेसन 20। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है वो हम लोगों को बताएगा किस प्रकार से हमें कंप्यूटर का यूज़ करना है। और हम लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैकेनिकल और ह्यूमन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जनरल कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में लेसन 20 में डिस्कस कर चुके हैं। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है,
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवरअप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।